अभी हम लोग कटरा के लिए बस या फिर टैक्सी देख रहे हैं। टाइम फॉर सम स्नैक ब्रेक एंड अनफॉर्चुनेटली हमारी बस ख़राब हो गई। फाइनली हम लोग अपने होटल पहुंच गए हैं। काफ़ी लेट हो गया क्योंकि बस हमारी ख़राब हो गई थी, बट जो भी है, ये हमारा रूम है। हमने दो रूम बुक किए हैं और हमें सिर्फ सामान रखना है क्योंकि हम रूम में तो रहने वाले नहीं हैं। हमें बस सामान रखने की जगह चाहिए एंड फ्रेश होके हम लोग निकल सकते हैं। नहीं, टेढ़ा है, उधर ही देखते हैं। निकाली तो बढ़िया घूमने वाला होना चाहिए। हाँ, ये सही ढूंढ लिया। ऐसा एक और ढूंढ मेरे लिए भी। थोड़ा पतला और सही होना चाहिए। नहीं, ये ज़्यादा सही नहीं है, ये वाली नहीं अच्छी। There are separate lines for men and women and ये first check post है जहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। So let's go, yeah. आई वॉज डिसाइडिंग कि मैं किधर से मैं व्यू कैप्चर करूँ क्योंकि जाली लगी थी, सो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, बट फाइनली कुछ नहीं डिसाइड हुआ और अभी हम लोग को काफ़ी चलना है आगे। फाइनली द मोमेंट फॉर विच वी ऑल वर वेटिंग, बस थोड़ा सा दूर और।
टेम्पल में तो शूटिंग अलाउड नहीं है, तो बीच का कोई भी क्लिप नहीं है. ये क्लिप है जब हम लोग दर्शन के बाद वी डिसाइडेड टू विजिट भैरव बाबा मंदिर, जो कि और टॉप पे है, और जिसके लिए हमें ये इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा. मुझे इतना याद है कि जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो कुछ उड़न खटोला बोलते हैं, जो भी हो, टिकट ले लिया है और अभी हमें जाना है, लाइन में लगना है. काफ़ी धूप है, बहुत तेज़ धूप है, पांव जल रहे हैं. Able to vlog like half of the tour in Jammu. There were few reasons. First of all, I was so tired. The moment I started climbing, जैसे ही चढ़ाई शुरू करी मैंने, जो 10 मिनट के अंदर ही थकान लगी, मैं तो एकदम थक गई. और कई जगह मैंने शूट किया तो हम लोग रात में चढ़ाई कर रहे थे तो अंधेरी की वजह से अच्छा नहीं आ रहा था, तो वो क्लिप्स मैंने नहीं लगाई. और मतलब मैं इतना थक गई थी कि अगर जो क्लिप मैंने बीच बीच में डाली थी वो उसमें वॉइस नहीं थी, क्योंकि इतना थक गई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था मैं कुछ बोलूं या कुछ करूं. एंड क्या ही बताएं, सो दैट वाज द फर्स्ट रीज़न. एंड सेकेंड रीज़न ये था कि जब हम लोग भवन पहुँच गए थे, सो यू आर नॉट अलाउड टू take any kind of mobile or electronic gadget or camera inside the temple. In fact, leather purse, and if you're wearing something which is related to leather like belt या फिर कोई भी ऐसी चीज़ which is related to animal skin or animal fur, वो कुछ allowed नहीं है. Before going to into the temple, दर्शन करने से पहले you have to submit everything into a locker, तो वहाँ का भी नहीं हो पाया. एंड वो भी लाइक द मेन पॉइंट ऑफ द ट्रिप वॉज दैट, बट जब नहीं अलाउड है सो वी शुड रिस्पेक्ट. एंड इफ समथिंग लाइक इफ इट्स अ रिलीजियस मैटर, सो आई थिंक यू शुड लाइक एवरी वन शुड रिस्पेक्ट दैट थिंग. सो वो चीज़ भी नहीं शूट कर पाई मैं. एंड जब हम लोग वहाँ जा रहे थे मंसार लेक, तो मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई थी रास्ते में. आई वॉमिट लाइक 2-3 times, क्योंकि इतना ज़्यादा गोल गोल रास्ता था. और उसके पहले भी मुझे थकान लगी थी, क्योंकि उसके एक दिन पहले ही हम लोग चढ़ाई करके वापस होटल में आए थे, तो मैं इतनी थकी हुई थी. लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके ड्रेस पहनी, हील्स पहने जो कि मैंने खरीदे थे जस्ट बिफोर द ट्रिप, की ड्रेस के साथ मैच करेंगे, सो आई व्लॉग एंड टेक अ पिक्चर. फिर भी मैंने पहना, मेरा मन तो था कि आई जस्ट गोइंग टू स्लीपर. और या थर्ड रीज़न वॉज ऑल्सो दिस, की तबीयत भी ख़राब हो गई थी मेरी, क्योंकि जब हम लोग वापस आ रहे थे तो काफ़ी लोग आगे पीछे हो गए थे. तो जब पहुँचने वाले थे, जब पहुँच तो मार्केट स्टार्ट होता है, जब जैसे मार्केट स्टार्ट होता है यू स्टार्ट फीलिंग लाइक कि हाँ अब हम पहुँचने वाले हैं, बट ऐसा नहीं हो रहा था. तो मैं इतनी थक गई थी फिजिकली, साथ साथ मेंटली इतना थक जाओ कि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा था क्लियरली, एकदम ब्लर हो रहा था, मुझे हेलुसिनेशन हो रहे थे क्योंकि मैं इतना मेंटली थक गई थी. आई वियर स्पेक्स, अभी नहीं पहने मैंने, आई वियर स्पेक्स, मुझे दूर का नहीं दिखता है. बट उस टाइम मैंने स्पेक्स पहने थे, रात का टाइम था, एंड दूर का तो छोड़ो, आई वॉज नॉट इवन एबल टू वॉच क्लियरली थिंग्स विच वॉज इन फ्रंट ऑफ मी. मेरा कज़न ब्रदर था, मुझे उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था.
मतलब मैं इतना तक गई थी एंड मेरे को हेलुसिनेशन हो रहे थे, ओ ये तो सामने गेट है, पहुँच के तो हम लोग और क्यों चले जा रहे हैं, और क्यों चले जा रही, मुझे दो क्यों दिख रहे हैं। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, एक टाइम था मुझे लग रहा था कि अब तो मैं गई, अब गिरी अब मैं बेहोश हुई, बट थैंकफुली दैट डिडंट हैपन। मैं सही सलामत जिंदा पहुँच गई होटल पर वापस, एंड जब वापस पहुँचे देन आई रियलाइज कि जो मसाजर जो मंगाया था ट्रिप से पहले कि हाँ ले जाएंगे ताकि थक जाएगा, क्योंकि सब लोग थके हुए थे, सो या वी कांट गिव मसाज टू ईच अदर, तो एटलीस्ट वी यूज अ मसाजर, वही भूल गए थे। इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बट मैं भूल गई थी, तो जस्ट कांट डू एनीथिंग। बट उसके बाद फिर ये हुआ कि गर्म पानी से हाथ में धुल लो, थोड़ी देर उसमें रखो, मेरी कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा। सो आई डिड दैट, एवरीवन डिड दैट, एंड कुछ कुछ चीज़ें आई फील लाइक आई एम फॉरगेटिंग, बट इट्स लाइक ऑलमोस्ट हाफ अ मंथ वो ट्रिप कंप्लीट किया, एंड उसके बाद आने के जस्ट बाद मेरे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, सो आई डिडंट स्टार्ट, मैंने तुरंत फिर नहीं उसको ब्लॉग को एडिट करना शुरू किया, क्योंकि कंटिन्यूस एग्जाम से 3 डेज एंड ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं थी, सो आई थॉट कि उसकी बात करेंगे। सो देर आर फ्यू मेमोरीज विच आर स्टिल फ्रेश, बाकी फ्यू ऑफ देम मुझे याद ही नहीं है। आई फील लाइक कि मैं कुछ भूल रही हूँ बट मुझे याद नहीं आ रहा मैं क्या भूल रही हूँ। सो या दिस ऑल आर द रीज़न कि मैं ज़्यादा बात नहीं करी या शूट नहीं किया, एंड थोड़ा सा हैक्टिक हो गया था जम्मू वाला ट्रिप, क्योंकि काफ़ी जगह हम लोग ने कवर करी, वी मेक अ ट्रिप टू सो मैनी प्लेस, मतलब मंदिर इतने मंदिर घूमे, एंड अमृतसर में भी मंदिर, वो अमृतसर वाले ब्लॉग में बताऊँगी मैं। दैट्स ऑल फॉर इट। हम लोग होटल में वापस आ गए हैं और पास के एक रेस्टोरेंट में खाना खाना आए हैं, एंड ऑनेस्टली मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया, कुछ भी नहीं। इतनी ढेर सारी जिंदा मछलियाँ एक साथ मैंने आज तक नहीं देखी हैं, और इन सब के बीच एक टॉर्टोइस भी था, बेचारा इकलौता अकेला, उसको कुछ खाने को भी नहीं मिल रहा था, इतनी मछलियाँ थी कि वापस ही चला गया, उसको पता था उसको कुछ खाने को नहीं। आपका खाना था? हाँ। आप कौन सी प्रजाति की मछली हैं? नहीं, अभी पहले मछलियों को हमने खाना खिलाया, अब बाद में हम
मछलियों को ले जाएं। मछली खाएंगे। अच्छा ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना।